प्रेजेंटिंग मिस्टर हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन और जेनी को दिखाया जाता है जो आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस घर में पुराने मकान मालिक का सामान आज भी रखा हुआ था। जो उनकी नज़र एक रखे हुए फ्रिज पर पड़ती है, ये कहता है कि कितना पुराना फ्रिज है, आजकल ऐसा फ्रिज देखने को भी नहीं मिलता जिसकी मोटर फ्रिज के ऊपर लगी हुई थी। ये दोनों नए घर लेने की खुशी में पार्टी करते हैं। जॉन उस फ्रिज से आइस क्यूब निकालता है, ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी जॉन की नज़र आइस क्यूब पर पड़ती है जिसमें कुछ अजीब सा था। फिर जेनी इसे मैग्नीफाई ग्लास से देखते हैं, तभी इन्हें बर्फ के टुकड़े में पुराने जमाने का हाथी दिखाई देता है जिसे भाले लगे हुए थे। इन दोनों को लगता है कि शायद मकान मालिक ऐसी चीजों को बनाता होगा, इसलिए जेनी इसे फ्रिज का सारा सामान बाहर निकालती है यह देखने के लिए कि और भी ऐसी चीजें इसके अंदर है क्या। इसके बाद ये दोनों अंदर देखते हैं, इसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस फ्रिज के अंदर एक तरह से पूरी दुनिया बसी हुई थी। ये सब देखकर इनको यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखने से पता चलता है कि उस दुनिया का समय बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था, जैसे एक सेकंड में कई साल बीत रहे हो। अब फ्रिज के अंदर की दुनिया दिखाई दी जाती है जहाँ पर दो लोग इन्हें आपस में देखकर बात कर रहे थे कि मैंने रोज रोज देखकर बोर हो गया हूँ। इसका मतलब फ्रिज के अंदर की दुनिया जॉन और जेनी के लिए एक ही जगह पर कई साल से रुके हुए थे। इनके लिए जॉन और जेनी की दुनिया का समय उतना ही स्लो था और जॉन और जेनी के लिए उनकी दुनिया का स्पीड में थी। देखते ही देखते फ्रिज के अंदर की दुनिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी और तभी उस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद यह फ्रिज का दरवाजा बंद कर देते हैं और पिज्जा ऑर्डर करके खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यह फिर से दरवाजा खोलते हैं। अब अंदर के नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर की पूरी दुनिया फ्यूचर में पहुंच गई हो, जहां पर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया इनके एक्सपेरिमेंट के कारण यहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे फ्रिज के अंदर की दुनिया बर्बाद हो जाती है। अंदर अब बस राख ही बची थी। इसके बाद जॉन फ्रिज का प्लग निकाल देता है। इन्हें इतने सारे लोगों को मरने के बहुत दुख होते हैं। अगले दिन यहाँ दोनों फ्रिज खोलकर इसके अंदर देखते हैं जहाँ पर अंदर की दुनिया फिर से शुरू हो गई थी और यह जमाना था जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इसके साथ ही शॉर्ट मूवी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया कैसे शुरू हुई थी और कैसे ख़त्म हो गई। गाइस आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ।